सो फ्रेंड्स, डायरेक्ट एडमिशन या फिर एडमिशन थ्रू NCHM JEE, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या दोनों में क्या फायदा है, क्या प्रोस एंड कॉन्स है, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल तरीके से जानने वाले हैं, बताने वाले हैं आपको बाकी सारी चीजें डायरेक्ट एडमिशन और JEE के थ्रू एडमिशन लेने में क्या फायदा है और क्या फर्क है। अब देख लेते हैं सबसे पहली चीज, क्योंकि मैंने भी कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं डायरेक्ट एडमिशन को लेकर के, सो ये सारा जो भी मिथ्स है, ये जो भी कंफ्यूजन है आप सबका, आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है। पहली चीज, अगर आप NCHM JEE के थ्रू जाते हो तो ज्यादा फायदा है, या फिर अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो ज्यादा फायदा है। अब यहां पर देखो, दोनों ही चीजें सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, पूरी सेम मैं नहीं बोलूंगा, ऑलमोस्ट सेम है गाइस। कैसे सेम है, ध्यान से सुनो, बारीकी से समझना। दोनों का जो फी होता है वो सेम है, चाहे आप डायरेक्ट एडमिशन लो या फिर JEE एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लो, दोनों में ही आपका सेम सेमेस्टर फी लगने वाला है, सेम एग्जामिनेशन फी लगना है ऑन डॉल। दोनों में आपको डिग्री सेम मिलनी है, जो डायरेक्ट एडमिशन वाला बच्चा है और जो JEE के थ्रू जाने वाला बच्चा है, दोनों का ही डिग्री सेम होने वाला है गाइस, कोई डिफरेंस नहीं है, 0.1% का भी डिफरेंस नहीं है। दोनों डिग्री सेम होगी, दोनों का फी स्ट्रक्चर सेम होगा, दोनों को सेम लोन मिलेगा एंड ऑल। अब क्या है कि वैसे स्टूडेंट जिनको अभी एडमिशन ले करके अपना टेंशन खत्म करना है कि बाद में उनको सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि कई बार बाद में जब सीट फुल हो जाता है तो आपको एडमिशन, आपको सीट नहीं मिल पाती है। सो वैसे स्टूडेंट्स के लिए यह है कि वो अभी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन अगर आप लेते हो तो आपका 2-3 हज़ार का फायदा हो जाता है और आपके आपका जो 2 महीने का टाइम है वो भी बच जाता है। वो कैसे, ऐसे इस तरीके समझो, क्योंकि अगर आप जब NCHM JEE के थ्रू जाओगे, काउंसलिंग के थ्रू जाओगे, तो 2-3 हज़ार जो है वो आपका काउंसलिंग फी लगता है, जो कि आपके फी में, आपके सेमेस्टर फी में इंक्लूड नहीं होता है गाइस। वो एक्स्ट्रा चार्ज जो है ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस का, वो लिया जाता है NCHM के थ्रू, तो वो आपके कॉलेज फी में इंक्लूड नहीं होगा, तो वो एक्स्ट्रा आपका चल गया। इसी के साथ जो 2-3 महीना आपका काउंसलिंग प्रोसेस में टाइम लगता है, वो काउंसलिंग आपको नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपकी एडमिशन डायरेक्ट हो रही है। क्योंकि 17 अप्रैल को NCHM की तरफ से एक नोटिस दिया गया था सभी प्राइवेट NCHM से एफिलेटेड इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल्स को, कि वो अब अपना अपने कॉलेज के अंदर में चाहे तो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, कॉलेज के टोटल सीट के 25% पे अभी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता गाइस, बच्चे के माइंड में अगर किसी गार्जियन या फिर किसी स्टूडेंट के माइंड में अगर ऐसा है कि डायरेक्ट एडमिशन वाले बच्चों को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, जो काउंसलिंग के थ्रू आते हैं उस बच्चे को प्रायोरिटी दी जाएगी, तो ये बिल्कुल ही गलत है। दोनों ही बच्चे सेम होते हैं, दोनों ही बच्चे के साथ सेम ट्रीट किया जाता है, दोनों ही बच्चों का क्लासरूम सेम होता है, दोनों ही बच्चे का एग्जाम साथ में होता है, दोनों ही बच्चे को डिग्री साथ में मिलती है, हर एक चीज दोनों ही बच्चों का सेम होता है, जो डायरेक्ट से आते हैं या फिर जो काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं। सो गाइस, यहां पे भी दिल्ली NCR का एक टॉप का और पुराना होटल मैनेजमेंट कॉलेज है, जिसके बारे में मैंने पहले भी अपने कई सारे वीडियोस में बता रखे हैं, दीवाना AHM। सो गाइस, दीवाना AHM में भी अभी जो ये डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पे भी दीवाना AHM में एडमिशन लेने का क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो पहला इनका USP है वो ये है कि बाकी IHM से जो दीवाना AHM का फी है वो बहुत ही ज़्यादा कम रखा गया है, क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है। तो यहाँ पे आप देख लोगे स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है NCHM सिटी का ऑफिशियली फी स्ट्रक्चर। इसमें आप देख लोगे जो भी ईयरली फीस है वो अप्रॉक्स 1.5 लाख है, यानी कि 1-1.5 लाख के बीच में आपका जो फी है ईयरली वो रखा गया है NCHM सिटी की तरफ से, जो भी आप IHM में जाते हो वहाँ। लेकिन क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है दीवान, तो यहाँ पे इनका जो फी है वो 85,000 पर ईयर रखा गया है गाइज। सो ये बहुत ही कम है, क्योंकि देखो सभी स्टूडेंट ना, सारे के सारे स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इतना ज़्यादा फी, 1 लाख या फिर 1.5 लाख पर ईयर का। तो यहाँ पे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बेनिफिट है कि यहाँ पे 85,000 पर ईयर में ही आपका जो एडमिशन है वो हो जाए। सो गाइस, आप चाहो तो यहाँ अभी दीवाना AHM में आप अभी डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन कैसे लेना है उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, और साथ साथ नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिया गया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके बाकी सारी डिटेल्स ले सकते हो। जो भी आपको जानना है, जो भी क्वेरीज है एडमिशन से रिलेटेड, वो सब आप वहाँ पे जान सकते हो। दीवाना AHM से रिलेटेड और भी सारे वीडियोज मैंने बना रखे हैं, उस वीडियोज का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। दीवाना AHM क्यों ज्वाइन करना चाहिए, दीवाना AHM की क्या खासियत है, साथ ही साथ दीवाना AHM का कैंपस टूर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, तो आप वहां से जाकर के बाकी सारी चीजें देख सकते हो। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें सभी स्टूडेंट्स के पास, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो NCHM सिटी और होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि हो कोई सवाल या देना चाहते हो कोई सुझाव, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, हमें फॉलो करें, करके आपकी मदद हमें खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।